नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक फिट लाइफ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल के प्रोफाइल आइकॉन को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन के अंदर या फिर दोस्तों अपने डेस्कटॉप के अंदर, तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्टफोन के अंदर दो मेथड यूट्यूब के प्रोफाइल आइकन को चेंज करने के, और दोस्तों अपने डेस्कटॉप के अंदर एक मेथड जिससे कि आप दोस्तों अपने डेस्कटॉप में भी अपने प्रोफाइल आइकन को चेंज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के एक छोटे से इंट्रो के साथ शुरू कर लेते हैं। बट दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के साथ दोस्तों आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर सबसे पहले मिल पाएंगे। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन को यहाँ पे अनलॉक कर लीजिए, और फिर दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए YouTube का ऐप। YouTube के ऐप को ओपन कर लेने के बाद जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों आपको ऊपर की तरफ अपने चैनल के आइकॉन पे क्लिक करना है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी अपने चैनल के आइकॉन पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है योर चैनल वाले ऑप्शन पे। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्लिक करना है योर चैनल वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों आप जो है योर चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों गियर वाले आइकॉन पर, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप गियर वाले आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नेम है और जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर डालने के लिए आ जाएगा। बट दोस्तों अभी आपको यहाँ पे ऊपर की साइड क्लिक करना है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ऊपर जो थ्री डॉट्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है हेल्प एंड फीडबैक वाले ऑप्शन पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ना आपके सामने कुछ इस टाइप का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ये जो पेज है वो ओपन हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ डिस्क्राइब वाले जो बॉक्स है ना, इसमें आपको यहाँ पे टाइप करना है जो मैं टाइप कर रहा हूँ, आप यहाँ पे वो टाइप कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है इन्फो। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो इन्फो है वो टाइप कर दीजिएगा, और दोस्तों सबसे पहले वाले जो ऑप्शन है आप इस पर दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने YouTube के चैनल के आइकॉन को अपने स्मार्टफोन पर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों आपको यहाँ पे इस पेज पे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और दोस्तों स्क्रॉल डाउन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स का जो बॉक्स है ना वो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी दोस्तों आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी आप कोई भी ब्राउजर अपने स्मार्टफोन में यूज करते हो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर मेरा जो क्रोम ब्राउजर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। और दोस्तों जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों मेरे लिए कुछ सेटिंग्स वगैरह आ गई है। और यहाँ पर दोस्तों आप नीचे की साइड देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफाइल पिक्चर। तो अभी दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इस प्रोफाइल पिक्चर वाले आइकॉन पे। और दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पे जो चेंज और रिमूव का जो ऑप्शन है ना वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है चेंज वाले ऑप्शन पे। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। और दोस्तों इस बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है इस वाले आइकॉन पर, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको पूछा जाएगा अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉप वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर दोस्तों आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो काफी ज्यादा बड़ी हो तो आप यहाँ पे उसे क्रॉप कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि जो प्रोफाइल पिक्चर होगी ना आपकी, उसका जो साइज है ना दोस्तों वो 250x250 होना चाहिए, या फिर दोस्तों आप चाहें तो 500x500 भी रख सकते हैं, या फिर दोस्तों जो गूगल रिकमेंड करता है 800px/800px। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसी टाइप की जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्रॉप कर लीजिएगा, और क्रॉप कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा सेट एज प्रोफाइल पिक्चर वाले ऑप्शन पे। और दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो प्रोफाइल पिक्चर है ना वो यहाँ पर तो चेंज हो चुकी है, बट दोस्तों जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे ऊपर के साइड में चेंज नहीं हुई है। तो दोस्तों इसको यहाँ पे टाइम लगने वाला है कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे तक। तो दोस्तों अभी ना आप यहाँ पे 1 से 2 घंटे वेट कर लीजिए, उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो चेंज हो जाएगी। बट दोस्तों अगर आप यहाँ पे 1 से 2 घंटे वेट करना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है अपनी जो YouTube की ऐप है उसे यहाँ पे ओपन कर लीजिए, यानी कि दोस्तों उसको आप यहाँ पे सेटिंग्स में यहाँ पे ओपन कर लीजिए। तो अभी दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर मैं अपनी जो सेटिंग्स है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों सेटिंग्स ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आप ऐप्स वाले ऑप्शन में जाइएगा। और दोस्तों ऐप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने जो ऐप्स हैं जितनी भी आपके फोन में इंस्टॉल है वो यहाँ पे सारी की सारी आ जाएंगी। अभी दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा YouTube वाले ऐप पे, और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा क्लियर कैश वाले ऑप्शन पे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लियर कैश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ना, तो आपकी जितनी भी इमेज वगैरह होंगी ना वो यहाँ पे फिर से रिफ्रेश हो जाएंगी। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हम YouTube के ऐप को फिर से ओपन करके चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो चेंज हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैं
अपने YouTube के ऐप को ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो YouTube के ऐप की जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, वो दोस्तों यहाँ पर चेंज हो चुकी है, जैसा कि अभी आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं YouTube के प्रोफाइल आइकन को चेंज करने के सेकंड वाले मेथड के बारे में। तो दोस्तों उस मेथड को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से अपने YouTube के आइकन पे यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लिक कर देना है। और दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है मैनेजर अकाउंट वाले ऑप्शन पे। और दोस्तों जैसे ही आप मैनेजर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है पर्सनल इन्फो वाले ऑप्शन पे, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे काफी सारे जो इन्फो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो अभी दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है अपने कैमरे वाले आइकॉन पर, जैसा कि अभी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी दोस्तों जैसे ही आप इस कैमरे वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ना जो फोटो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो अभी दोस्तों आप क्लिक कर दीजिएगा सेट प्रोफाइल फोटो वाले ऑप्शन पे, और फिर दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे अपने स्मार्टफोन के अंदर से कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी दोस्तों आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सिलेक्ट कर ली है, और अभी दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा एक्सेप्ट वाले बटन पे। और दोस्तों जैसे ही आप एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे ना, यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट कर लेना होगा, और दोस्तों उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों अभी मैं अपने YouTube के ऐप को भी यहाँ पे ओपन करके देख लेता हूँ कि जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे चेंज हुई है या फिर नहीं हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। पर दोस्तों अगर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अभी भी चेंज ना हो, तो दोस्तों आप फिर से अपनी सेटिंग्स में जाइएगा, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप यूट्यूब के ऐप का जो कैश होता है उसे आप यहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा, और फिर दोस्तों उसके बाद आप अपना जो यूट्यूब का ऐप है वो यहाँ पे फिर से ओपन कर लीजिएगा, और दोस्तों उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे इंस्टेंटली चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन के अंदर ही अपने यूट्यूब के प्रोफाइल के आइकॉन को चेंज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने यूट्यूब के प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसा सेम अपने डेस्कटॉप पे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों यूट्यूब के आइकॉन को अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप पर चेंज करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों आप ओपन कर लीजिए google.com। और दोस्तों google.com ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आप टाइप कीजिए YouTube स्टूडियो। उसके बाद दोस्तों YouTube स्टूडियो को यहाँ पे ओपन कर लेने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सबसे पहले वाली लिंक पे, जो कि है YouTube स्टूडियो की लिंक। YouTube स्टूडियो की लिंक को क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस टाइप के पेज पे आ जाएंगे। अभी दोस्तों इस पेज पे आपको जिस भी अकाउंट का अपना जो प्रोफाइल आइकॉन है उसे चेंज करना है, उसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने फिर से जो है इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऊपर के साइड तीन टैब यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है ब्रांडिंग वाले टैब पे, और दोस्तों ब्रांडिंग वाले टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। अभी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों इस चैनल की जो प्रोफाइल आइकॉन है वो दोस्तों यही है। अभी दोस्तों मैं इसे यहाँ पे चेंज कर लूंगा, और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ रिकमेंडेड साइज दिया हुआ है। तो दोस्तों आपकी जो प्रोफाइल आइकॉन है ना वो कुछ इस साइज का होना चाहिए, और दोस्तों आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे 4 MB से कम की होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप इन सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रख के चेंज वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों चेंज वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो प्रोफाइल आइकॉन है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और दोस्तों इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ पे इस इमेज को जो क्रॉप वगैरह है वो कर लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दोस्तों इस इमेज को क्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, और दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो चैनल का आइकॉन है वो यहाँ पे चेंज तो हो जाएगा, बट दोस्तों अभी यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा पब्लिश वाले बटन पे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे पब्लिश वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपका चैनल का आइकॉन है वो कुछ ही देर में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसा कि अभी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी जो चैनल का आइकॉन है वो यहाँ पे भी चेंज हो गया, और दोस्तों जो चैनल का आइकॉन है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप पर और आप अपने स्मार्टफोन पर अपने यूट्यूब के प्रोफाइल आइकॉन को चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आई हो अपने यूट्यूब के प्रोफाइल आइकॉन को चेंज करने में, तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो दोस्तों उसकी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि दोस्तों आप मुझे वहां पर जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। और वहां पर दोस्तों अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।